आज हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व का दिन है। देश की सेना पर गौरव करने का दिन है। 1971 की जंग में पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की जीत के 50 साल पूरे होने के मौके पर आज एक बहुत ही खास कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली के इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन करेंगे राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। इस प्रोग्राम का आयोजन हिंदुस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती के 50 साल पूरा होने के मौके पर किया गया है। दो दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों होगा और कार्यक्रम में पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत का एक संदेश भी प्रसारित होगा, जो उन्होंने आज के दिन के लिए अपने निधन से पहले रिकॉर्ड कर लिया था। स्वर्णिम विजय पर्व कार्यक्रम में बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना के सैनिक भी शामिल होंगे और 1971 की जंग में इस्तेमाल हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। ये हथियार देश भर के सैनिक म्यूजियम से निकालकर खास तौर से दिल्ली लाए गए हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए। आज के कार्यक्रम में भारत की लड़ाइयों से जुड़ी वीडियो क्लिपिंग्स भी दिखाई जाएंगी और रक्षा मंत्री 1971 के युद्ध का हिस्सा रहे पूर्व सैनिकों से भी आज मुलाकात करेंगे। आज इंडिया गेट पर दिखेगा वो जश्न जिसे देखकर पाकिस्तान डिप्रेशन में आ जाएगा। ये जश्न है जीत का, ये जश्न है ऐतिहासिक विजय के 50 साल पूरे होने का। हिंदुस्तान आज स्वर्णिम विजय पर्व मना रहा है। दिल्ली के इंडिया गेट पर भव्य समारोह हो रहा है। 1971 की जंग की निशानियां रखी गई हैं। हिंदुस्तान के शूरवीरों की विजय गाथा का प्रसारण भी होगा। 50 साल पहले जो युद्ध हुआ उस जीत के नायकों से, उस जीत के वीरों से देश के रक्षा मंत्री मुलाकात करेंगे और ये तस्वीर देखकर पूरा पाकिस्तान शर्म से पानी पानी हो जाएगा। 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत के 50 साल पूरे होने पर भव्य समारोह मनाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी में 1971 की जीत के हथियार नजर आएंगे। सरहद पर लड़ी गई प्रमुख लड़ाइयों के अंश दिखाए जाएंगे। रक्षा मंत्री 1971 की जंग के योद्धाओं से मुलाकात करेंगे और इस बेहद खास कार्यक्रम के गवाह बांग्लादेश से आए विदेशी मेहमान भी बनेंगे। उद्घाटन के बाद प्रदर्शनी आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। पूरे दो दिन तक इंडिया गेट पर उत्सव जैसा माहौल होगा। ये तस्वीरें देखिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।